अस्सलाम वालेकुम एवरीवन हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ रहे थे तो आज हम स्टार्ट करेंगे उसका पार्ट टू की वीडियो जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपना रिस्क फ्रॉम द हेल्थ केयर वेस्ट जो हमारे पास रिस्क होते हैं हेल्थ केयर वेस्ट से तो उसके अंदर डिफरेंट तरीके के हमारे पास रिस्क आ जाते हैं कोई हमारे पास वेस्ट से हो जाता है जो इन्फेक्शियस वेस्ट होता है कोई हमारे पास शार्प से होता है जीनोटॉक्सिक वेस्ट से हमारे पास रेडियो एक्टिव वेस्ट की वजह से हो सकता है फार्माकोलॉजिकल वेस्ट की वजह से केमिकल वेस्ट की वजह से आपके पास कोई पब्लिक सेंसिटिविटी हो सकती है तो डिफरेंट तरह के आपके पास हमारे पास जो हैज़र्ड्स हो सकते हैं वेस्ट की वजह से वो डिफरेंट होते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इफ़ेक्शियस वेस्ट की वजह से शार्प्स वगैरह की जो होते हैं तो उसके अंदर ये हो सकता है कि आपको कोई भी लगाते हुए, कोई भी ब्लड सैंपल लेते हुए कुछ भी करते हुए आपको पंचर लग सकता है आपको अगर कोई पेशेंट था आपके पास आपके पास आप उसका ब्लड का सैंपल ले देते हैं और गलती से वही स्ट्रिज आपके प्रिक होगी तो आपको वो होने के खदशात हो सकते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा हैजर्ड होता है नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी हैजर्ड जो आपके पास केमिकल और फार्मास्यूटिकल वेस्ट की वजह से होता है तो उसके अंदर डिफरेंट होते हैं जैसे कि आपके पास कोई टॉक्सिक टॉक्सिकजट हो सकता है आपके पास क्रॉसिव हो सकता है एक्सप्लोसिव हो सकता है शॉक सेंसिटिविटी हो सकती है आपके पास कोई क्रॉनिक इंजरी कर सकता है तो ये केमिकल वगैरह कर सकते हैं देन आपके पास आ जाता है जीनोटॉक्सिक वेस्ट की वजह से जो हैजर्ड होता है तो जो आपके पास जीनोटॉक्सिक वेस्ट होता है उसके ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है कि कितनी देर तक हम उस ड्यूरेशन के अंदर हम उस इन्वायरमेंट के अंदर रहे हैं तो फिर हमारे पास उतना ज़्यादा जो हैज़र्ड है होगा उसका देन आपके पास आ जाता है जी रेडियो एक्टिव वेस्ट की वजह से जो आपके पास हैज़र्ड होता है तो रेडियो एक्टिव अगर आपके पास माइल्ड अगर रेडियो एक्टिव एक्सपोजर हुआ है आपके पास रेडिएशन से तो आपके पास हेडेक्स uh, हो सकती है आपके पास डिजीनेस वॉमिटिंग इस तरह की कंडीशन आ सकती है लेकिन अगर आपके पास एक्सट्रीम लेवल तक आप काफ़ी देर तक उसके अंदर एक्सपोज रहे हैं तो उसके बाद आपके पास ल्यूकीमिया लिम्फोमा कार्सिनोजेनिसज आपके पास मिलेग्नेसीज इस तरह की कंडीशन आ सकती हैं देन आ जाता है जी हमारे पास पब्लिक सेंसिटिविटी तो पब्लिक सेंसिटिविटी क्या होती है कि अगर कोई भी इस तरह का वेस्ट जो हमारे पास एनाटॉमिकल था जैसे कोई ऑर्गन था आपने किसी की किडनी निकाली या इस तरह का कोई था तो आपने उसको इसी तरह फेंक दिया तो दैट इज़ पब्लिक सेंसिटिविटी कुछ लोग उसके लिए सेंसिटिव होते हैं इवन के कुछ लोग ब्लड के इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनको खून देख के जो है वो बेहोश हो जाते हैं या अनकॉन्शियस हो जाते हैं तो ये एक पब्लिक सेंसिटिविटी होती है नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है उसकी आपकी टीम क्या होती है तो वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले आपके पास एक वेस्ट मैनेजमेंट का सुपरवाइजर होता है जो उसकी वेस्ट मैनेजमेंट जो टीम होती है उसको हेड करता है उसके बाद आपके पास एक गें 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 गें। वेस्ट मैनेजमेंट टीम होती है जो पूरा एक प्लान बनाती है जिसको हम वेस्ट मैनेजमेंट प्लान कहते हैं ठीक है इसके अंदर आपकी टीम के अंदर कौन कौन लोग आते हैं आपके पास एक जो वेस्ट मैनेजमेंट का सुपरवाइजर होता है वो आता है या हेड ऑफ़ स्टाबलिशमेंट आता है देन आपके पास हर हॉस्पिटल का जो डिपार्टमेंट होता है जैसे आपके पास ऑफोमोलॉजी का डिपार्टमेंट है आपके के पास सर्जरी का डिपार्टमेंट मेडिसिन का डिपार्टमेंट है पीड्स का डिपार्टमेंट का उनके जो हेड्स होते हैं वो सारे एच जो आपके हर डिपार्टमेंट के होते हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट का वेस्ट को जो है वो रिमूव करना होता है वेस्ट की मैनेजमेंट करानी होती है तो इसलिए वो इस टीम के अंदर शामिल होते हैं देन आपके पास इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर होता है देन आपके पास चीफ फार्मासिस्ट आ जाता है आपके पास रेडियोलॉजी ऑफिसर है हॉस्पिटल सुपरवाइजर होता है जो हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करता है और साथ ही आपके पास हॉस्पिटल का जो इंजीनियर होता है वो भी इस टीम के अंदर शामिल होता है अब इस टीम के डिफरेंट काम होते हैं हम देख लेते हैं कि इस टीम के क्या क्या काम हैं। ठीक है जी आपके पास इस टीम ने क्या करना होता है इन्होंने प्लान बनाना होता है सबसे पहले तो वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है ना उसका उन्होंने प्लान बनाना है फिर उसको इम्प्लीमेंट कराना होता है उसकी कलेक्शन करनी है फिर उसको किस टाइम पर करना है कितना स्टाफ होना चाहिए सारा कुछ जो है वेस्ट मैनेजमेंट की टीम बनाती है अब उनका प्लान क्या होता है सबसे पहले प्लान के अंदर उनके ये आ जाता है कि सबसे पहले उन्होंने देखना है कि कितने वार्ड्स हैं और एक डिपार्टमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट के अंदर कितने वार्ड्स हैं ठीक है उसके अंदर कितना ज़्यादा आपके पास रिस्क और नॉन रिस्क वेस्ट आ रहा है ठीक है फिर उसके बाद

ने पांच बजे वो वेस्ट को लेकर जाना है लेकिन कभी ये भी हो सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में कि आपकी जो बास्केट है या जो भी आपकी जगह है जो आपने रखी हुई है उसके वो पहले से ही भर गई है तो फिर आपको इमरजेंसी रिमूवल भी करना पड़ेगा तो इसलिए आपको इमरजेंसी स्टाफ रखने की भी जरूरत है फिर आपको पता होना चाहिए कितना नंबर ऑफ स्टाफ चाहिए आपको ये सारे काम करने के लिए फिर आपको सेग्रीगेशन पता होनी चाहिए ठीक है सेग्रीगेशन का वो प्लान बनाते हैं कि किस तरह से उन्होंने रिस्क वेस्क को नॉन रिस्क को शार्प्स को किस तरह से अलग करना है उसके स्टोरेज किस तरह से करनी है उसको हैंडल किस तरह से करना है ट्रेन किस तरह से करना है उन्होंने अपने स्टाफ को उसका कोर्स क्या बनाना है और प्रोसीजर्स भी वो अपने प्लान के अंदर सारे इंप्लीमेंट करते हैं ठीक है ये पूरा वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान होता है देन उसके बाद आ जाते हैं आपके पास स्टेप ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट तो सबसे पहले आपका वेस्ट मैनेजमेंट का स्टेप जो आपकी एक्सेल की बुक के अंदर दिया हुआ है दैट इज वेस्ट सेग्रीगेशन ठीक है वेस्ट सेग्रीगेशन वेस्ट सेग्रीगेशन के अंदर क्या होता है कि वो रिस्क और नॉन रिस्क वेस्ट को हमने सेग्रीगेट करना होता है हमने उनको अलहदा अलहदा रखना होता है क्योंकि हमने रिस्क वेस्ट को जो है वो ज्यादा अच्छे से जो है डिस्पोज ऑफ करना होता है और उस पर ज़्यादा हमें आ, जो प्रिकॉशनरी मैयर्स हैं वो ज़्यादा लेनी पड़ती हैं जबकि नॉन रिस्क वेस्ट को इतनी ज़्यादा नहीं लेनी पड़ती ठीक है तो हमारे पास जो रिस्क वेस्ट होता है ना उसके अंदर हमारे पास कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जो लीक प्रूफ हो ठीक है ऐसा कंटेनर होना चाहिए जो लीक प्रूफ हो पेनीट्रेशन रजिस्टेंट हो तो इस तरह की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ठीक है उसके बाद आ जाता है जी नॉन रिस्क वेस्ट आपके पास होते क्या अब आपके पास एक ब्लू कंटेनर होगा एक येलो कंटेनर होता है और एक आपके पास रेड कंटेनर होता है ये हर हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट में होता है जो ब्लू कंटेनर होता है वो फॉर द नॉन रिस्क वेस्ट होता है जिसके अंदर आप प्लास्टिक जो आपके बैग होते हैं ब्लू बैग होते हैं उसके अंदर आप अपने नॉन रिस्क वेस्ट को डालते हैं नॉन रिस्क वेस्ट के अंदर आपके प्लास्टिक आ जाती हैं कोई भी कंटेनर्स आ जा जाते हैं ठीक है इस तरह का आपके पास वेस्ट आ जाता है तो वो आप नॉन रिस्क वाला वेस्ट लेते हैं उसको ठीक है और उसके लिए जो आपका कंटेनर का कलर होना चाहिए दैट वुड बी ब्लू ठीक है और ये टेयर रेजिस्टेंट होना चाहिए उसके बाद आ जाता है आपके पास रिस्क वेस्ट रिस्क वेस्ट जो होता है ना उसका बैग जो है ट्रॉली जो भी है ना वो आपकी टू थर्ड फिल होगी तो तब तक आपने उसको डिस्पोज ऑफ करना है यानी तब आपने उसकी कलेक्शन करा करा लेनी है आपने पूरा उसको फिल आउट नहीं करना क्योंकि वो बाहर गिर सकता है तो रिस्क वेस्ट से आपको मसला हो सकता है तो ये येलो कलर की आपकी ट्रॉली होनी चाहिए येलो कलर कलर का, का आपका बैग होना चाहिए ठीक है ये आपका लीक प्रूफ होना वो सिक्योर लैंडफिल होता है यहाँ हम इसको हमारे पास सिंगल चैंबर होता है और डबल चैंबर होता है तो हम उसके अंदर इसको ट्रीट करते हैं ठीक है, है? फर्दर में हम बाद में डिस्कस करेंगे किस तरह से करना है? उसके बाद आपके पास शार्प्स आ जाते हैं शार्प्स जो होते हैं वो आपने रेड आपकी बुक के अंदर येलो यहाँ लिखा हुआ है तो आपने रेड करना है ये रेड होते हैं और ये आपके पास डेंजर होते हैं मतलब जो शार्प्स जैसे नीडल्स आ जा जाती हैं आपके पास इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इसको भी आपने टू थर्ड ही फिल करना होता है ठीक है आपने इसको भी ज़्यादा फिल नहीं करना और ये वाला जो आपका ब्लॉक है इसको आपने ज़रूर देखना है दैट इज़ इंपॉर्टेंट ठीक है आपकी टाइप ऑफ वेस्ट क्या है आपकी नॉन रिस्क है रिस्क वेस्ट है और आपकी शार्प्स है जो आपके पास रिस्क वेस्ट होता है उसको आपने टू थर्ड जो है वो फिल करना है और आपके शार्प्स को भी आपने टू थर्ड फिल करना होता है उसके बाद ये कंटेनर जो होना चाहिए इसको प्लास्टिक बैग से लाइन करना है इसको भी प्लास्टिक बैग से लाइन करना है और ये आपके पास सीलेबल बॉक्स या ड्रम होना चाहिए इसका कलर जो आपके पास नॉन रिस्क है उसका ब्लू होना चाहिए रिस्क का येलो होना चाहिए और जो शार्प्स है उसका रेड होना चाहिए ठीक है शार्प्स के अंदर आपके पास फार्मास्यूटिकल भी आ जाता है केमिकल और रेडियो एक्टिव भी आ जाता है उसके बाद आपके पास करेक्टिस्टिक्स क्या होना चाहिए कि ये जो आपके पास नॉन रिस्क वाला होना चाहिए वो आपके पास टीयर रेजिस्टेंट और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जबकि जो आपके पास येल्लो होना चाहिए वो आपके पास लीक प्रूफ होना चाहिए जबकि जो आपके पास रेड वाला है यानी जो जिसके अंदर शार्प्स वगैरह है तो वो आपके पास लीक रजिस्टेंट भी और पेनीटेबल रेजिस्टेंट भी हो क्योंकि वो शार्प्स जो हैं जो नीडल्स हैं वो उसको ब्रेक भी कर सकती हैं तो वो वो रेजिस्टेंट भी होना चाहिए अब उनका

दैन आपके पास आ जाता है जी वेस्ट कलेक्शन अब वेस्ट कलेक्शन इसका सेकंड पॉइंट है कि हमने वेस्ट को मैनेजमेंट किस तरह करना है पहले हमने सेग्रीगेट कर लिया अब हमने उसकी कलेक्शन करनी है कलेक्शन जो करनी है ऐसा एक हमारे पास स्टाफ होना चाहिए ये आपके पास वेस्ट मैनेजमेंट टीम बताती है कि आपके पास कौन से डिपार्टमेंट में कितना स्टाफ चाहिए उनका टाइम क्या होना चाहिए ठीक है और वो कि, किस किस टाइम पर वो लेकर जाएंगे और वो फुल्ली इम्यूनाइज होने चाहिए फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए उन्होंने प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग पहनी हो उन्होंने मास्क पहने हो ठीक है इस तरह के उन्होंने गॉगल्स लगाए हों अपनी आइज़ को कवर किया हो आई प्रोटेक्टर लगाए हो, उन्होंने इंडस्ट्रियल एप्रेंस पहने हो, लेग प्रोटेक्टर पहने हो, ठीक है उन्होंने इंडस्ट्रियल बूट्स पहने हैवी ग्लव्स पहने हो ड्यूटी ग्लव्स पहने हो, ये सारी उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए तब वो ये सारा वेस्ट को लेकर जाएंगे और उसको कलेक्ट करेंगे ठीक है ये आपका सेकेंड पॉइंट था नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी हमारे पास आ जाता है वेस्ट ट्रांसपोर्ट का पॉइंट अब ट्रांसपोर्ट जो होती है वो आपके पास दो तरह की है एक आपके पास ऑन साइड ट्रांसपोर्ट है और एक आपके पास ऑफ साइड ट्रांसपोर्ट होती है जो आपके पास ऑन साइड ट्रांसपोर्ट होती है ना वो आपने करनी होती है ये जो आपका स्टाफ होता है जो आपने वेस्ट मैनेजमेंट टीम के अंदर स्टाफ रखा है वो स्टाफ लेके जाता है वो या तो वो जो आपके बैग्स होते हैं उनको लेके जाता है या आपके पास जो येलो बैग है ब्लैक बैग है या आपके पास रेड बैग है या आपके पास ब्लू बैग है उसके लिहाज से उसको लेके जाता है और वो ट्रॉलीज के अंदर लेके जाता है इस तरह की ट्रॉलीज़ होनी चाहिए कि जो आप साइड कवर इस तरह की जो बड़ी बड़ी सी इस तरह इस तरह इस तरह की ट्रॉलीज होती हैं और वो उसको इस तरह से लेके जाया जाता है तो ये इस तरह की कुछ ट्रॉली होती है वो आपके पास होनी चाहिए जा, जिसके अंदर आप लोड और अनलोड कर सकें ईजीली और जो ट्रॉली होती है उसके एटलीस्ट आपके थ्री से फोर व्हील होने चाहिए इंपॉर्टेंट एमसी है आपने इसको अच्छे से मार्क करना और इसको अच्छे से देखना है उसके बाद आपके पास ऑफ आ जाती है एक वो उनकी व्हीकल होती है आपने देखी होगी अक्सर उकात के क्लोज व्हीकल होती है जिसके अंदर वो सारा गार्बेज वगैरह इकट्ठा करके तो लेकर जाते हैं वो म्यूंसपल कमेटी या म्यूंसिपल अथॉरिटी करती है ठीक है उसके बाद आपके पास आ जाता है वेस्ट स्टोरेज किस तरह से करनी है तो वेस्ट स्टोरेज जब जितनी देर के लिए हमने वेस्ट को स्टोर करना है ना वो हॉस्पिटल के ऐसी जगह पे करना है जो नियर द इंसिनरेशन हो ठीक है और वो आपके पास ऐसी जगह हो कि लार्ज इनफ हो वहाँ पे सिर्फ ऑथराइज स्टाफ जा सकता है और कोई अनऑथोराइज लोग वहाँ ना जा सकते हो कोई एनिमल्स वहाँ ना जा सकते हो ठीक है वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर कोई फ़ूड स्टोरेज या फूड प्रपरेशन ना होती हो फूड स्टोरेज या फूड प्रपरेशन से दूर होनी चाहिए उसको वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ वाटर सप्लाई जो है वो एडिक्वेट हो इक्विप्ड हो वा विद द प्रॉपर वाटर सप्लाई और हमने ट्वेंटी फोर आवर से ज़्यादा जो है वेस्ट को स्टोर नहीं करना होता है ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट एम सी क्यू है आपने इसको याद रखना है ठीक है सबसे पहले आपने कर ली जी सेग्रीगेशन फिर आपने कलेक्शन कर ली फिर ट्रांसपोर्ट किया ट्रांसपोर्ट आपका ऑन साइड था फिर ऑफ साइड ट्रांसपोर्ट थी फिर उसके बाद स्टोरेज है हमने थोड़ी देर के लिए उसको स्टोर करना होता है एंड देन उसके बाद आपका आ जाता है जी वेस्ट डिस्पोजल वेस्ट डिस्पोजल के आपके डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करती हूँ